नमस्कार संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। जैसा कि आप जानते हैं 30 सितंबर को अभी एनडीएस और सीडीएस की परीक्षाएं हुई हैं, उसके बाद से डीडीए ने नए बैच शुरू कर दिए जो कि आने वाली 11 तारीख, 18 तारीख और 25 तारीख यानी कि जो भी सोमवार आएगा उसमें नए बैच शुरू होंगे, तो उसमें सीटें कम हैं। जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, सीट बुक करें। तो अभी हमारे साथ है ओम प्रकाश, ये अभी आज इन्होंने एडमिशन लिया है। ओम प्रकाश अपने बारे में बताएं। सर, मेरा नाम ओम प्रकाश भुइयां है और मेरे पापा इंजीनियर हैं, उनका नाम नवकिशोर भुइयां है। मेरे मम्मी का नाम पार्वती भुइयां है, वो हाउस वाइफ है। और मेरे दो बहनें हैं, उनका नाम प्याली भुइयां और एक का नाम है प्रियंका भुइयां। अच्छा, तो आर्म फोर्स ज्वाइन करने का कैसे आया? सर बचपन से वही बात है सर, और कोई कुछ दिखा ही नहीं सर, सिर्फ इंडियन आर्मी सर। तो जैसे फैमिली में आर्मी में नहीं है तो? नहीं सर, कोई नहीं। फिर कैसे, घर वालों ने कुछ बोला? दो सर दो बोले, एक भाई है सर, बोले दूसरा कुछ देख लो, इंजीनियरिंग देख लो वगैरह, कुछ अच्छा सैलरी। पर सर सब कुछ तो पैसा के लिए नहीं होता ना एक्चुअली सर, तो वही बात है। मतलब देश की सेवा करने के लिए वर्दी पहननी है। यस सर। तो जैसे दून डिफेंस एकेडमी आज आप आए हैं, एडमिशन लिया है आपने, तो संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के बारे में कैसे पता चला? सर मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया था, बहुत सारा खोजे, बहुत सारा ये, उसके बाद सर को फ़ोन किए, सर बोले हाँ आप आके देख लीजिए। तो फिर हम आके देखे, तो फिर सर बोले एक्चुअली हम कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो सर डायरेक्टली बोल दिए कि पास होना मुश्किल होता है क्योंकि 90% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं इसमें, और सब इंस्टीट्यूट में ले लेते हैं, हमको जो भी होगा पैसे के लिए ले लेते हैं। लेकिन यहाँ बोले डायरेक्टली बोले तुम मत करो, तुम एसएससी करवा लो। लेकिन मेरा बात है कि सब कुछ पॉसिबल हो सकता है अगर करने चाहेंगे तो। तो अगर अभी सबको मतलब बहुत कुछ हो पा रहा है तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हम साइंस क्यों नहीं जा पाए, तो इसीलिए हम सोचे नहीं जो भी हो जैसे भी होगा करने का करेंगे। चलो थैंक यू। काइंडली सब्सक्राइब डीडे यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।